हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड टू, सब्जेक्ट मैथ्स, यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में अब हम आए हैं राइट द नेम ऑफ द जस्ट प्रीसीडिंग एंड द जस्ट सक्सीडिंग नंबर, यानी कि यहाँ पे हमें मंथ के नेम लिखने हैं। और ये मंथ है विक्रम संवत और क्रिश्चियन कैलेंडर के, यानी विक्रम संवत यानी कार्तक माक्षर पोष माह फागन चैत्र वैशाख जेठ असत श्रावण भादरवो आसो, वो हमारे है विक्रम संवत। और हमारे क्रिश्चियन कैलेंडर का जो मंथ है वो है जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये थे हमारे दो मंथ्स के नेम, एक विक्रम संवत के और एक क्रिश्चियंस कैलेंडर के। अब हमें इसमें प्रीसेडिंग नंबर यानी आगे का नंबर, और सक्सेडिंग नंबर यानी हमारे पीछे का नंबर, यानी यहाँ पे हमें मंथ के नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट है श्रावण, श्रावण यानी हमारा विक्रम संवत। तो हमें श्रावण के आगे वाला मंथ भी लिखना है और श्रावण के पीछे वाला मंथ भी लिखना है। तो चलो बच्चों, हम बोलते हैं कि कार्तक माक्षर पोष महा फागन चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण, यानी श्रावण के आगे कौन सा मंथ आया? आषाढ़। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे आषाढ़ श्रावण और भादरवो। तो श्रावण के बाद भादरवो। अब है फागन, फागन फिर से वो ही आया कि विक्रम संवत। तो हम चलो बोलते हैं कार्तक माक्षर पोष महा फागन, यानी फागन के आगे कौन सा आया? महा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे महा, महा फागन। और अब आएगा चैत्र, यानी महा फागन चैत्र। अब है भादरवो, तो फिर से बोलते हैं कार्तक माक्षर पोष महा फागन चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादरवो, यानी श्रावण के आगे कौन सा आया? सॉरी, भादरवो के आगे कौन सा आया? श्रावण। तो यहां पे हम लिखेंगे श्रावण भादरवो और आसो, श्रावण भादरवो आसो, यानी कि भादरवो के आगे श्रावण और भादरवो के बाद आसो। अब है चैत्र, यानी ये भी एक विक्रम संवती है। तो चैत्र, तो कार्तक माक्षर पोष महा फागन चैत्र, यानी फागन। तो फागन चैत्र और वैशाख, तो यहां पे हम लिखेंगे वैशाख। फिर है पोष, यानी वो भी विक्रम संवत है। तो कार्तक माक्षर पोष, यानी माक्षर, पोष के आगे हम क्या बोले? माक्षर। तो माक्षर पोष महा, तो यहां पे हमने लिखा महा। जून, यानी हमारा क्रिश्चियन कैलेंडर आया तो जून। तो कार्तक माक्षर क्रिश्चियन कैलेंडर जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून के आगे क्या बोला हमने? मई। तो यहां पे हम लिखेंगे मई जून, और जून के बाद जुलाई फेब्रुवरी। तो फेब्रुवरी यानी वो भी हमारा क्रिश्चियन कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर। तो जनवरी फेब्रुवरी, फेब्रुवरी के आगे कौन सा आएगा? जनवरी। और फेब्रुवरी के बाद जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल। तो बोलो जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल के आगे क्या बोला? मार्च अप्रैल और मई सितंबर, फिर से हमारा क्रिश्चियन कैलेंडर।
तो बोलते हैं जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर के आगे क्या बोला हमने? अगस्त। तो यहां पे हम लिखेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, मार्च। तो मार्च के आगे जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, यानी मार्च के आगे फेब्रुआरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल। तो ये थे हमारे प्रीसेडिंग एंड सक्सेडिंग नंबर। प्रीसेडिंग यानी आगे का नंबर, सक्सेडिंग यानी पीछे का, यानी कि आगे के मंथ और पीछे के मंथ। वैसे ही अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आंसर्स है जो हमने सीजन के बारे में देखा था कि कौन सी सीजन कौन से मंथ में आती है और क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन द वेदर इज कॉल्ड। कौन सी सीजन में वेदर कोल्ड होता है, वेदर यानी वातावरण, और एटमोस्फियर यानी कि कौन सी सीजन में ठंड होती है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना था, कार्तक से, चार मंथ, फोर मंथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार्तक, अरे सॉरी 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 सॉरी, सीजन ही लिखना है हमें कि कौन से सीजन में वेदर कोल्ड होता है। तो ठंडी कौन से मंथ में होती है, विंटर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विंटर, डब्ल्यू आई एन टी आर, विंटर। फिर है विच फोर मंथ ऑफ विक्रम संवत है विंटर, यानी कि विक्रम संवत के कौन से चार महीने ठंड होती है। तो कौन से चार महीने होती है, कार्तक से शुरू करना है, कार्तक, माक्षर, पोष, महा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार्तक, माघशर, पोष, महा। फिर है इन विच सीजन द वेदर इज हॉट, यानी गर्मी कौन से सीजन में होती है। तो समर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समर सीजन। फिर है विच फोर मंथ ऑफ विक्रम संवत है व समर, यानी कि विक्रम संवत के कौन से चार महीने गर्मी होती है। तो यहाँ पे हमने कहाँ पे स्टॉप किया था, महा, महा के बाद चार मंथ, महा, फागन, चैत्र, वैशाख, जेठ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फागन से, फागन, चैत्र, वैशाख और जेठ। फाइव नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच सीजन डज इट रेन, कौन से सीजन में रेन होती है। तो बारिश कौन से सीजन में होती है बच्चों, यस, मॉनसून की सीजन में। तो यहां पे हम लिखेंगे मॉनसून। और उसमें है बीच फोर मंथ ऑफ विक्रम संवत है व मॉनसून, यानी कि कौन से चार महीने, विक्रम संवत के कौन से फोर मंथ में विंटर आता है, सॉरी मॉनसून आता है। तो लास्ट हमने जेठ पे रुका था, समर कहाँ पे रुका था, जेठ, जेठ के बाद औषाढ़, श्रावण, भादरवो, आसो, भादरवो और आसो। तो बच्चों यहाँ पे हमने तीन सीजन और उसके मंथ्स के बारे में सीखा। तो पहली सीजन है विंटर, दूसरी समर और तीसरी मॉनसून, और कार्तक से स्टार्ट करके हमें फोर फोर मंथ लेने थे, तो वो हमने लिखा। यहाँ हम फिनिश करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।